इंडियन इकोनॉमी में स्टार्टअप्स का योगदान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। डेवलपिंग इकोनॉमीज में ये स्टार्टअप्स ही ग्रोथ के सबसे बड़े फैक्टर्स माने जाते हैं। साल 2023 में भले ही स्टार्टअप्स फंडिंग राउंड थोड़े ठंडे गुजरे हैं, लेकिन इस दौरान इंडियन स्टार्टअप्स इकोसिस्टम में शामिल कई बड़े स्टार्टअप्स प्रॉफिटेबल भी हुए हैं। वहीं इंडियन स्टार्टअप्स फंडर्स ने भी साल 2023 में जमकर पैसा कमाया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बतौर सैलरी किस स्टार्टअप फंडर ने 2023 में सबसे ज्यादा सैलरी ड्रॉ की है। इस लिस्ट में पहला नाम आता है फिनटेक स्टार्टअप ज़ेरोधा के फाउंडर्स निखिल और नितिन कामत का। इन दोनों को 2023 में बतौर सैलरी 72 करोड़ रुपए मिले हैं। नितिन कामत ज़ेरोधा के सीईओ हैं, जबकि निखिल कामत फाइनेंशियल प्लानिंग टीम को हेड करते हैं। इसके बाद नंबर है ओयो रूम्स के सीईओ रितेश अग्रवाल का, जिन्हें 2023 में देश की सबसे बड़ी हॉस्पिटैलिटी चेन से रेम्यूनेशन और सैलरी के रूप में 12 करोड़ सालाना मिलते हैं। तीसरे नंबर पर है ई गेमिंग स्टार्टअप गेम क्राफ्ट से जुड़े दीपक सिंह अहलावत, जिन्हें इस स्टार्टअप से सालाना 10.1 करोड़ रुपए की सैलरी मिलती है, जबकि ये CTO सर्च फर्म पर्पल क्वार्टर के CEO भी हैं। वही फोर्थ मोस्ट पेज स्टार्टअप फाउंडर में है ऑनलाइन ब्यूटी रिटेलर पर्पल के को फाउंडर्स मनीष तनेजा और राहुल दश, जिन्हें 2023 में सैलरी के रूप में 6.75 करोड़ रुपए मिले हैं। लास्ट नंबर पर है फिनटेक स्टार्टअप पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा, जिन्हें रेम्यूनेशन और सैलरी के हर साल 4 करोड़ मिलते हैं। आपको बता दें कि इन सभी फाउंडर्स को सैलरी तो मिलती है, जबकि इनके पास अपने स्टार्टअप्स में करोड़ों की इक्विटी भी है। आपको इस रिपोर्ट पे क्या कहना है नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और ऐसी तमाम काम की खबरों के लिए पैसा लाइव को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।